इंदौर में राखी के पहले भाई अपनी बहन को मायके ले जाने के लिए न्योता देने आने वाला था। उस दिन वह ससुराल तो आया लेकिन कंधा देने। रोते रोते भाई बोला, भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। बोला, 2 सप्ताह पहले बहन से बात हुई थी, बहन के साथ भांजी को भी राखी पर लेने आने वाला था, लेकिन एक ही दिन में सब खत्म हो गया। सविंद्रनगर निवासी दीपक गढ़वाल और उसकी पत्नी रीना के सुसाइड के बाद दोनों के परिजन रविवार को MY अस्पताल पहुंचे। यहां दोनों का पोस्टमार्टम होना था। रीना के परिवार से उसका भाई विकास, पिता व दोस्त पहुंचे। विकास ने बताया कि बहन से उसकी अक्सर बात होती रहती थी, जबकि छोटी बहन किरण से वह मिलती रहती थी। विकास ने बताया कि रविवार को बहन को राखी पर मायके लाने के लिए न्योता देने आने वाला था, लेकिन शनिवार को उसकी मौत की खबर सुनकर सब सन्न रह गए। अब मुझे न्योते की जगह बहन को कंधा देना पड़ रहा है। बहन और जीजा जी के बीच क्या विवाद हुआ था यह भांजी नहीं बता पा रही है। फिलहाल भांजी शांतिनगर में नानी और मौसी किरण के पास है। दीपक का बड़ा भाई संजय भी रविवार को पोस्टमार्टम के लिए MY पहुंचा है। यहां उसने बताया कि 5 साल पहले उसके पिता का स्वास्थ्य खराब था, इसी बीच अचानक वह रीना के साथ रहने चले गए। कहां रहता था इस बारे में कभी नहीं बताया। परिवार को जब यह पता चला कि रीना पहले से शादीशुदा है तो उन्होंने भी दीपक से बात नहीं की। सुसाइड से पहले दोनों के बीच क्या विवाद हुआ उन्हें नहीं पता। दोनों के सुसाइड की खबर शनिवार को दोस्तों से ही मिली। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शवों को परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। इसके बाद दीपक और रीना के परिवार के लोगों ने यह तय किया कि वह दीपक के माता पिता के यहाँ से ही शव यात्रा निकालेंगे। दीपक को बड़े भाई संजय ने ही मुखाग्नि दी, जबकि रीना को मुखाग्नि देने के लिए पहले पति के बेटे गणेश को बुलाया था, पर वो नहीं आया। इसके बाद रीना के छोटे भाई विकास ने ही उसे मुखाग्नि दी। TI संजय सिंह बैस के मुताबिक शॉर्ट PM रिपोर्ट में भी पति पत्नी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात सामने आई है। परिवार के बयान से पता चला है कि दीपक आए दिन पत्नी से विवाद के दौरान खुद भी जान देने की बात करता था। संभवतः पत्नी की मौत से आहत होकर उसने भी आत्महत्या कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, BR24 न्यूज़।